नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मित्रा। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में हालात ये है कि जानलेवा प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल इससे निपटने के लिए ऑड इवन चला रहे हैं। बात जब हद से ज्यादा बढ़ी तो स्कूलों को ही बंद कर दिया। शायद उन्हें लगा हो कि इससे जहरीली हवा कुछ कम हो जाए, लेकिन फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए ये सुकून देने वाली बात है कि कम से कम केजरीवाल सरकार एक्शन में तो दिख रही है, मगर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का क्या, जिनके पास दिल्ली प्रदूषण को लेकर होने वाली केंद्र सरकार की अहम बैठक में ही पहुंचने का समय नहीं, क्योंकि वो आजकल इंदौर में जलेबी का स्वाद चख रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को इस मसले पर शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कई सांसद नदारद रहे। बैठक में न पहुंचने वालों में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भी रहे। गौतम गंभीर इस वक्त इंदौर में हैं, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच हो रहा है। बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट इंदौर में मौजूद गौतम गंभीर वहां की मशहूर जलेबी के स्वाद चख रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधने वाले गौतम गंभीर इस बार खुद ही आम आदमी पार्टी के निशाने पर आ गए। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, संसदीय कमेटी की बैठक में आज का एजेंडा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण था, जिसके बारे में एक हफ्ते पहले ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन इस बैठक में गौतम गंभीर गायब रहे। क्या प्रदूषण को लेकर गंभीरता कमेंट्री बॉक्स तक ही सीमित है? इस ट्वीट के साथ आम आदमी पार्टी ने गौतम गंभीर की एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वो इंदौर टेस्ट के दौरान साथी कमेंटेटर वीवीएस लक्ष्मण के साथ जलेबी खा रहे। प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच सियासत हो रही है। इस सियासत पर पत्रकार सुमित अवस्थी ने ट्वीट कर कहा, अपने देश के नेताओं के कानों पर जू क्यों नहीं रेंगती, ये हुक्मरान बच्चों की क्या इसलिए परवाह नहीं कर रहे क्योंकि इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है? क्यों अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं? प्रदूषण पर हुई संसदीय कमेटी की बैठक से गैर हाजिर रहे गौतम गंभीर ने इससे पहले मास्क लगाए हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था, क्या यही आपकी दिल्ली है? इसके अलावा एक वीडियो जारी कर गौतम गंभीर ने केजरीवाल सरकार को चुनौती दी थी कि सीएम केजरीवाल दिल्ली वासियों को ये बताएं कि पिछले 4.5 साल में प्रदूषण से लड़ने के लिए उनकी सरकार ने क्या किया। हाय गाइस, मैं आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। दिल्ली के पोल्यूशन की प्रॉब्लम मुझे और मेरे परिवार को उतना ही अफेक्ट करती है जितने आप सबको। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में पिछले 6 साल में दिवाली पर इस बार सबसे कम पोल्यूशन थी, पर कुछ नेता लोगों की अवेयरनेस और उनकी जीत का क्रेडिट ले रहे हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने अभी ये लड़ाई जीती नहीं है। दिल्ली अभी भी एक गैस चेंबर की तरह है। स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम को कम करने के एफर्ट भी चल रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन के वक्त आई हैव चैलेंज्ड मिस्टर केजरीवाल टू प्रूव हिज एलिगेशंस अगेंस्ट मी, नाउ आई एम चैलेंजिंग हिम वंस अगेन। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूँ, पिछले 4.5 साल में एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करने के अलावा उन्होंने क्या पोल्यूशन के लिए किया है वो थोड़ा हमारे को बता सकते हैं? अगर ये करोड़ों रुपए जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करे हैं, अगर उन्होंने ये पैसे पोल्यूशन को कम करने के लिए अगर खर्च किए होते तो आज शायद दिल्ली सांस ले पाती। आई एम श्योर जो हमारे सीएम 24 घंटे टेलीविजन एड्स न्यूज़पेपर्स में दिखते हैं वो मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। शुक्रवार को संसदीय कमेटी में जब प्रदूषण को लेकर बैठक हुई तो कुछ ही सदस्य पहुंच पाए। कमेटी की ओर से जिन अधिकारियों को समन किया गया था और प्रेजेंटेशन देने को कहा गया था, उन्होंने अपने जूनियर अधिकारी को भेज दिया, जिसके बाद कमेटी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने नाराजगी जताई। यही कारण रहा कि प्रेजेंटेशन भी कैंसिल कर दी गई। गौतम गंभीर भी इस कमेटी का हिस्सा हैं, जो इस वक्त इंदौर में चल रहे भारत बांग्लादेश टेस्ट मैच में कमेंट्री कर रहे हैं।